प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल, आप सभी का एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में कक्षा 10 गणित अध्याय 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसका जो बेसिक है वो किया था। हमने सीखा कि किस तरह से हम जो दूरी और ऊंचाई से संबंधित समस्याएं हैं उनको हल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ और इस तरह की समस्याएं लेंगे, ताकि आप जो प्रश्नावली 9.1 है उनकी समस्याओं को आसानी से हल कर सकूं। तो आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्नावली 9.1 से। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, और बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहां तक अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि मान लो हमारे पास ये एक पेड़ है, इसको हम एक पेड़ के रूप में मान लेते हैं, और आंधी आने के वजह से ये टूट के गिर गया। मान लो ये यहां से टूट गया। अब ये टूटने के बाद जो सिचुएशन हुई वो कुछ इस तरह से होगी कि जब ये टूट के गिरा तो यहां से ये नीचे आ गया। तो जब ये टूट के गिरा तो जो शिखर था, शिखर जमीन को छूने लग गया इस तरह से। यहां पे ये शिखर हो गया। देखो यहां से टूट के नीचे गिरा है ना, तो जब ये वाला हिस्सा टूट के नीचे आ गया, तो यानी कि ये वाला हिस्सा ये हो गया इस तरह से। तो यहां पे शिखर है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब दोबारा से देखते हैं, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये पेड़ का शिखर हो गया और ये हमारे पास जमीन है जिसको छू रहा है, और छूने के साथ साथ क्या कर रहा है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये 30 डिग्री का कोण भी बना दिया। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी यानी कि पेड़ है। अब देखो ये जो पेड़ है हमारे पास, ये इसका पाद बिंदु है और ये इसका शिखर है। तो ये हमारे पास पाद बिंदु है और ये शिखर है। इसमें कहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो ये देखो यहां से टूट के जब नीचे गिरा था तो ये पाद बिंदु हुआ, इसकी दूरी जहां से पेड़ का शिखर, ये रहा पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, इसके बीच की दूरी कितनी है 8 मीटर। तो ये हमारे पास 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। पहले बच्चों, अब ये हमारे पास पेड़ था, ये पाद बिंदु को हमने ए मान लिया, जहां से टूटा उसको बी मान लिया, और जो शिखर है उसको सी मान लिया। अब देखो ये हमारे पास ए हुआ, ये हमारे पास बी हुआ, और शिखर टूट के यहां पे आ गया, तो ये हमारे पास सी हो गया। अब हमें क्या करना है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब आप अगर इसके साथ कंपेयर करें इसको, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है हमारी, यहां से लेके यहां तक यानी कि ए सी। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा पहले, और बी सी निकालना पड़ेगा। ए बी और बी सी को जोड़ देंगे तो पूरा कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज तो हमारे पास यहां बनेगी ना, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका फॉर्मूला तो यहां पे अप्लाई होगा, तो इसको यूज करेंगे हम। तो यानी कि हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें कि माना पेड़ की ऊंचाई, जो पेड़ है हमारे पास टूटने से पहले
कितनी है एसी, एसी है। अब जब ये टूट के गिर गया तो ऊंचाई तो फिर भी इसकी इतनी रहनी है, तो जो एसी का मान हुआ वो क्या होगा, ए बी प्लस बीसी, ए बी प्लस बीसी। अब हमें क्या करना है, ए बी और बीसी निकाल के उसको जोड़ देना है, वही हमारे पास पेड़ की ऊंचाई होगी। अब आप देखेंगे कि समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में देखो ये हमारा थीटा है, इसका मतलब ये हमारा आधार हुआ, ये हमारा कर्ण हुआ और ये हमारे पास लंब हुआ। अब आप देखेंगे साइन कोस टेंजेंट एल ए एल और के ए, हमने ये प्रीकी लिख ली। हमें कौन चाहिए, एबी का मान निकालना है, एबी एरा यूज क्या कर सकते हैं, आधार को। तो लंब और आधार देखो किसमें आएगा, लंब और आधार टेंजेंट थीटा में आता है, तो हम लिख सकते हैं कि लंब यानी कि एबी बटे में आधार एसी बराबर है टेंजेंट थीटा, और थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री। एबी का मान हमें निकालना है तो एबी को तो एबी रहने दो, एसी एसी का मान हमारे पास 8 मीटर है और ये टेंजेंट 30 डिग्री हो गया, ए बी बटे में 8 ये हो गया 1/√3। अब हमारे पास देखो टेंजेंट 30 का मान 1/√3, 8 को हम इधर ले आते हैं तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8/√3। इसको आप चाहो तो समीकरण 1 मान सकते हो, इसको समीकरण 2 मान सकते हो। किसका मान आ गया हमारे पास, ए बी का। ठीक इसी तरह से दोबारा समकोण त्रिभुज एबीसी में अब हमें किसका मान चाहिए, बीसी का, बीसी कर्ण है और यूज क्या करेंगे, आधार, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण कोस थीटा में, तो आधार बटे कर्ण कोस थीटा है, आधार है हमारा एसी, कर्ण है हमारे पास बीसी, ये हो गया कोस थीटा। एसी का मान 8 मीटर, बीसी निकालना है कोस 30, कोस 30 8/√बीसी कोस 30 ये होगा हमारे पास √3/2। आर पार गुणा कर दी, √3 बीसी बराबर है 8 × 2, √3 बीसी बराबर है 16, बीसी बराबर है 16/√3, बीसी का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हटा देते हैं, इस समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से एबी और एसी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दिया गया, एसी हमारे पास कितना हो जाएगा, एबी, एबी का मान है हमारे पास 8/√3 और बीसी का मान है हमारे पास 16/√3, तो एसी आ जाएगा √3, इसका एलसीएम आ गया 8+16, एसी आ गया हमारे पास 24/√3। तो ये हमारे पास एसी आ गया, और एसी क्या है, पेड़ की ऊंचाई। ये टूटने से पहले हमने इस वजह से लिखा है, आप सिंपली पेड़ की ऊंचाई लिख सकते हो, टूटने से पहले मतलब ये पेड़ इस तरह से था, टूटने के बाद वो ऐसा नजर आ रहा है, एक्चुअल में ऊंचाई तो इसकी एबी प्लस बीसी थी। तो आप सिंपली अगर पेड़ की ऊंचाई लिखना चाहो, सिंपल इसको ऐसे लिखना चाहो कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है हमारे पास, एसी है। तो ये एसी हमें कैसे मिलेगा, जब ये टूट के गिरा तो ये ऐसी शेप हमें प्राप्त हुई, ऐसी आकृति प्राप्त हुई। अब इसमें से हमें एसी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एबी प्लस बीसी। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, ऐसे इस वजह से लिखा कि कहीं आपके दिमाग में ऐसी बात ना जाए, एसी तो है ही हमारे पास 8 मीटर,
लेकिन ये तो जब वो पेट टूट के नीचे गिर गया, उसका जो पादबिंदु था, उसका जो पैर था और उसका जो शिखर था, उनके बीच की दूरी है, ये उन पेड़ की ऊंचाई नहीं है। पेड़ की ऊंचाई तो आधा पेड़ तो ये बचा हुआ अभी जो अभी टूटा नहीं है, और आधा हिस्सा उसका ये रहा, कुछ हिस्सा इधर है कुछ हिस्सा इधर है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। इस वजह से हमने लिखा था उसको टूटने से पहले। अगर आपको नहीं लिखना उस तरह से तो आप इसको सिंपल इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पेड़ की ऊंचाई हमारे पास एसी तो है, लेकिन एसी आपके पास 8 सेंटीमीटर पे है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस एसी से हमारा जो मतलब है उस किससे है, एसी एबी प्लस बीसी से है, तो ये आप ध्यान रखोगे। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर देते हैं कि जो पेड़ की ऊंचाई है वो हमारे पास क्या है, एसी, लेकिन वो जो एसी है वो है क्या, ए बी प्लस बी सी। ये वाला एसी नहीं, ये तो हमारे पास क्या चीज है, इस जगह पे जो हमारे पास एसी है वो तो 8 मीटर, इन दोनों के ये हम कब यूज करेंगे, जब हम समकोण त्रिभुज में इसको यूज करेंगे तब हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज हमारे पास पेड़ की ऊंचाई आप चाहो तो इसको सीधा ही क्या लिख सकते हो कि बी सी, सॉरी ए बी प्लस बी सी, ऐसे लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी, ये है हमारे पास पेड़ की ऊंचाई। तो अभी हम निकाल देंगे तो पेड़ की ऊंचाई हमारे पास, पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस बी सी है, तो अगर आप इसको छोड़ना चाहो अब आप इसको भी छोड़ दो, कंफ्यूजन खत्म कर रहा हूं आपको कि किसी प्रकार से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास पेड़ की ऊंचाई ए बी प्लस बी सी है। तो अब हमने क्या निकाला, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया। अब देखो यहां कोई समीकरण तो बचा नहीं, इसको एक और दो लिख देते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण एक और समीकरण दो से ए बी और ए सी का मान रखने पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या रखेंगे यहां इसके अंदर यूज कर लेंगे, तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ये हमारे पास आ जाएगा क्या था, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी का मान लग दिया हमने, बी सी का मान लग दिया, सोल्व कर दिया, तो यहां पे पहुंच गए। अब प्यारे बच्चों आप जब इसके आंसर मैच करेंगे ध्यान रखेंगे नीचे जो वर्गमूल में टर्म होगी वो नहीं मिलेगी आपको, तो इसका परिमेय करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे भी वर्गमूल 3 से गुना कर देते हैं और यहाँ पे भी वर्गमूल 3 से, तो एसी आ जाएगा हमारे पास 24 गुना पे वर्गमूल 3 और बटे वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 24। तो एसी का मान आ गया 8√3 और यही हमारे पास क्या आ जाएगी, पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो एसी ना लिखो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो एसी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास पेड़ की ऊंचाई होगी, अतः पेड़ की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 8√3 मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसमें अब डबल एंगल हो गए हैं हमारे पास, जो थीटा है वो थीटा के दो मान है इस क्वेश्चन में। इसमें देखेंगे आप 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि एक लड़का है जिसकी जो ऊंचाई है या जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और वो एक भवन से थोड़ी दूरी पर खड़ा है, और जो भवन है वो कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। आगे बढ़ते हैं, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो हमें यह बताना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया है। मेरे बच्चों अगर अब इसका हल हम देखें तो एक लड़का है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ये लड़का है, यहां पे हमारे पास ये लड़का है जिसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, और एक ये एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, और जो भवन है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 30 मीटर। तो ये हमारे पास
30 मीटर है। ये हमारे पास भवन हो गया और इसकी जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। तो इसको थोड़ा सा ना मतलब ऐसा नहीं है कि ये 1.5 है तो इसकी सीट में बाकी का ये कम नजर आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ हमने अंदाजे से लिया है ये। आप इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहो तो थोड़ा सा छोटा कर ले, कंपैरेटिवली ये 30 मीटर है, ये सिर्फ 1.5 है, तो ये हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लड़का है जिसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। अब ये लड़का क्या कर रहा है, वो इस भवन की तरफ आ रहा है। यहां से जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। इस टाइम तो यहां पे वो इधर चल के गया कुछ दूर, जब मान लो इधर चल के यहां पहुंच गया, उस लड़के की आंख यहां पे, जब यहां पे था तो जो शिखर का उन्नयन कोण था, और जब कुछ दूरी पे चल के गया भवन की ओर, तो कोण ये हो गया। अब देखिए कोण कितने डिग्री से कितने डिग्री हो गया। अब ये दृष्टि रेखा होगी, क्षैतिज स्तर ये होगा हमारे पास। तो ये जो कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, ये कहा है उसने। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया। पहले वो यहां पे था, फिर वो यहां पे आ गया। इसको हम भूमि के स्तर से इसको मिला देते हैं। अब वो यहां से यहां तक चलकर गया, ये हमें दूरी निकालनी है कि वो कितनी दूरी चल के गया, यानी कि इसका मान निकालना है। इसको अगर हम a मान लें तो हमें a का मान निकालना है। यानी बच्चों हमें क्या करना है, a का मान निकालना है। दोबारा से देखते हैं, एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और एक भवन है जिसकी लंबाई या ऊंचाई 30 मीटर है। वो लड़का उस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, वो भवन की तरफ आया जब, तो उसका जो आंख का भवन के शिखर से उन्नयन कोण था वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। अब ये बताना कि वो कितनी दूरी चल के भवन की ओर गया, यानी कि ये दूरी हमें निकालनी है। पहले बच्चों अब हम इस लड़के के लिए जो पॉइंट्स हैं ए बी ले लेते हैं, भवन के लिए हम जो पॉइंट्स हैं वो सी डी ले लेते हैं, और अगर पॉइंट और कोई बचते हैं तो यहां पे हम ई लिख लेते हैं, यहां पे हम एफ लिख लेते हैं, और यहां पे हम जी लिख लेते हैं। अब आप देखेंगे कि हमारे पास हमें क्या निकालना है, इस ए का मान निकालना है। ए का मान एक्स मानना चाहो तो एक्स मान सकते हो, ए मानना चाहो तो ए मान सकते हो। यहां से यहां तक हमने ये दूरी मान ली ए, और यहां से और यहां तक इसको मान लेते हैं बी। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी पूरी, ये टोटल हो जाएगी ए प्लस बी, ए ये बी ये, तो टोटल होगी ये ए प्लस बी। अब आप देखें समकोण त्रिभुज कौन कौन सी यूज हो सकती है। समकोण त्रिभुज एक तो ये बन रही है, कौन सी, सी ई एफ में, एक तो ये हुई। फिर इसी तरह से एक समकोण त्रिभुज कौन सी, एक समकोण त्रिभुज जिसको हम यूज कर सकते हैं वो है एक ये पूरी बड़ी, एक तो हमारे पास क्या होगी सी ई एफ और एक सी ई ए, सी ई ए, तो ये दो यूज कर सकते हैं समकोण त्रिभुज, हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे ये 1.5 मीटर है,
यानी कि ई से लेके डी तक ये भी तो 1.5 मीटर होगी और ये टोटल 30 है। तो ये अगर टोटल 30 है तो जो सी से लेके ई तक है, जो हमारी सी से लेके ई तक होगी 30 मीटर है टोटल, ये टोटल हमारी 30 मीटर है ये ध्यान रखोगे। तो इसकी बात कर रहा हूं मैं कि सी से लेके ई तक ये कितनी होगी, ये टोटल हमारी कितनी है 30 मीटर है। तो ये हमारे पास 30 में से ये 1.5 माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर, इसका पता चल गया। ये हमारे पास ए है तो ये भी हमारे पास ए है ए एफ, ये हमारे पास बी है तो ये भी हमारे पास बी है। अब ये आ गया हमारे पास क्या क्या है, ए बी की वैल्यू है 1.5 मीटर, इसी तरह से हमारे पास सी डी की वैल्यू थी, सी डी पूरी 30 मीटर, ई डी हमारे पास ए बी के बराबर है, ई डी ए बी के बराबर है यानी कि 1.5 मीटर, और सी ई हमारे पास सीई इसका मान, तो सी डी में से अगर डीई माइनस कर दें तो सी डी आ जाएगा, यानी कि 30 में से 1.5 माइनस कर दें तो ये हमारे पास सीई का मान आ गया, तो ये मान आ गया हमारे पास। अब प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है, ए का मान निकालना है। समकोण त्रिभुज सीई एफ में ये हमारे पास एंगल है, ये बी है, इसका हमें पता नहीं, इसको हमने बी माना ना, और ये हमारे पास 28.5 है, ये हमारे पास 28.5 है। तो देखो हमारे पास लंब है और आधार है, तो लंब बटे मत साइन कोस टेंजेंट एल ए एल के के ए, लंब और आधार का टेंजेंट का यूज करेंगे। लंब है हमारे पास सीई एफ की बात करें, लंब है हमारे पास सीई आधार है हमारे पास ई एफ, बराबर है टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री है। सी है हमारे पास 28.5 बटे में ये ई एफ हमारे पास बी है और टेंजेंट 60 वर्गमूल 3, यहां पे एक लगा लेते हैं, आर पार गुना करें तो वर्गमूल 3 बी इसकी साथ करेंगे तो ये आ गया 28.5 और बी का मान आ गया 28.5 बटे में वर्गमूल 3। तो यहां से हमारे पास बी का मान आ गया। वो ये भी तो पूछ सकता था कि अब वो लड़का भवन से कितनी दूरी पे है, तो वो दूरी बी थी तो वो आ गया हमारे पास 28.5 बटे में वर्गमूल 3। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि हमें बी का मान नहीं चाहिए, हमें ए का मान चाहिए। तब दूसरी त्रिभुज पे आ जाते हैं, दूसरी समकोण त्रिभुज में ये वाली। अब इसमें भी हमें क्या पता है, लंब का पता है, अब के बाद आधार हमारा ये पूरा हो गया, आधार ए प्लस बी है क्योंकि ये पूरे की वैल्यू कितनी है ए प्लस बी एई, यानी कि लंब है हमारे पास सीई, आधार है एई, टेंजेंट थीटा है आपकी बार 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री है, सी है 28.5, ए ई देखो यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक बी, तो टोटल है ए प्लस बी, एई का मान है हमारे पास ए ई हमारे पास किसके बराबर है, बी डी के बराबर नहीं है, बी डी, और बी डी का मान कितना है, ये प्लस ये टोटल कितना है ए प्लस बी। अगर मैं यहां पे ये हमने जी लिखा हुआ ना, तो बी जी का मान कितना है ए, बी जी का मान ए, और जी डी का मान ये हमारे पास बी है, और बी डी कितना हो जाएगा दिस प्लस दिस, तो ये प्लस बी हो जाएगा, ये भी इतना हो जाएगा और ये भी इतना हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी 1/3। आर पार गुणा कर दी इसकी साथ की तो ए प्लस बी
बराबर है 28.5 गुना में वर्गमूल 3। ये आया अभी हमारे पास। अब आप देखें यहां b का मान रख देते हैं, इस जगह पे हम b का मान रख देते हैं, a जमा 28.5 बटे में वर्गमूल 3 बराबर है 28.5 गुना करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा वर्गमूल 3। तो a का मान हो गया हमारे पास 28.5 वर्गमूल 3 माइनस ये इधर आ गया 28.5 बटे में वर्गमूल 3। यहां पे पहुंचे, अब इसका एलसीएम ले लो, a यहां पे वर्गमूल 3 आ गया। अब देखो जब इसकी इस तरह गुणा करेंगे तो वर्गमूल 3 के साथ वर्गमूल 3 से 3 मिल जाएगा, यानी कि हमें 28.5 की गुणा करनी है 3 के साथ, और ये वर्गमूल 3 कट गया तो ये 28.5 आ गया। मेरे बच्चों इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो आप, तो हमने बिल्कुल प्लेन पैटर्न लिया है, सिंपल तरीके से चल रहे हैं बिल्कुल। अब यहां पे a का मान आ गया 3 × 5 15 5 हासिल 1.5 लग जाएगा, 3 × 24 24 और 1 × 25 5 हासिल 2, 3 × 6 और 2 8 माइनस 28.5 और बटे में वर्गमूल 3। तो यहां पे हम पहुंच गए इसके। अब इसके लिए देखें क्या बनेगा, 5 − 5 तो ये 0 आ गया, यहां पे 15 में से 8 गए 7 आ गया, 0.5 तो यहां ही रहेगा 7 आ गया, और यहां पे 7 रखे 7 में से 2 5 आ गया बटे में वर्गमूल 3। तो यहां पे हमारे पास a का मान आ गया 57 बटे में वर्गमूल 3। देखो दशमलव के बाद 0 तो उसको छोड़ दिया, अब इसको नीचे ही छोड़ते तो यहां वर्गमूल 3 और यहां से भी गुना कर देंगे तो a ये आ जाएगा 57 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 के कैंसिल हो जाएगा 3 × 3 और 19 × 57 तो a का मान आ गया 19√3। हमें क्या निकालना था, हमें ज्ञात करना था भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, तो वो हमने क्या मानना था a, इतनी दूरी चली थी a, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि जो लड़का है, एक लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर दूरी चलकर गया। ये कह रहे बच्चों हमारे पास इसका आंसर है। तो जब भी आपके पास डबल एंगल के क्वेश्चन हो, इसका मतलब दो समकोण त्रिभुज बनेगी, एक तो हमारे पास ये होगी, ये वाली, और एक ये पूरी होगी, ये वाली पूरी होगी हमारे पास। तो आपको क्या करना है, दोनों के लिए अनुपात लिख लेने हैं और फिर एक दूसरे को यूज करके क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन या तो सिंगल एंगल के हैं या डबल एंगल के हैं, तो इसमें इस तरह से हैं। अब प्यारे बच्चों इसमें और देखो क्या पूछ सकता था, ये पूछ सकता था कि वो अब कितनी दूरी पे है भवन से, भवन से कितनी दूरी पे है वो, बी का मान तो सीधा ही निकल गया था, बस इसको यहां पे परिमेयकरण कर देंगे इसका, बी का मान सीधा निकल गया था। मान लो वो पूछे कि शुरू में जो लड़का है वो भवन से कितनी दूरी पर था, ए और बी जो दोनों का मान है उनको जोड़ देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। वैसे भी देखो हमारे पास ए प्लस बी का मान ये तो आ ही गया यहाँ पे 28.5√3 तो ये टोटल दूरी आ जाएगी शुरू में। तो इस तरह से वो कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, इसी के आसपास घूमेंगे सारे, जितने भी क्वेश्चन है आपके आगे के जितने भी क्वेश्चन है इसके आसपास ही घूमेंगे। आपसे कभी कुछ दूसरे टर्म को पूछ लिया जाएगा, कभी दूसरे टर्म को, लेकिन रहेंगे ऐसे ही क्वेश्चन।